व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज परसोन। जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली न्यूज़ मोबाइल गेमिंग की लेकर आता हूं, तो आज भी लेकर आया हूं एक गर्मा गर्म न्यू एपिसोड मोबाइल गेमिंग न्यूज़ का। तो बने रहिए और जानिए क्या हो रहा है मोबाइल गेमिंग वर्ल्ड में इस वीडियो में। तो बने रहें क्योंकि मैं हूं आपका टेड पल्स। हमारी पहली न्यूज़ आ रही है मॉन्स्टर हंटर राइडर की तरफ से, जो कि एक्चुअली एक iOS और एंड्रॉयड गेम है और उसने 5 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात तो नहीं है बाकी बड़े जाइंट्स के कंपैरेटिवली, बट एज अ इंडी डेवलपर बहुत बड़ी बात है 5 मिलियन डाउनलोड। तो जो भी लोग पसंद कर रहे हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो जाओ, तो नीचे जाके देखो और कमेंट करो कि आपको ये गेम कैसा लगा। हमारी अगली न्यूज़ आ रही है एक और बड़े गेमिंग जायंट टेंसेंट की तरफ से, जहां पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूजली पॉपुलर गेम मोबा अरेना ऑफ वेलोर को रशिया में लॉन्च कर दिया, जो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस गेम को टेंसेंट पब्लिश करे। तो उन्होंने अभी रशिया में कर दिया है, तो बाकी कंट्रीज में शायद आ जाए अगले 5-6 महीने में अगर सब कुछ ठीक रहा तो। होपफुली हमें भी ये गेम खेलने को मिले, खाली रशिया को खेलने को ना मिले। अगली न्यूज़ आ रही है एक्चुअली में एक ऐसी गेम जो 2020 के मार्च वाले मंथ में सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुई है iOS और एंड्रॉयड को मिला के। वो गेम है स्लैप किंग, जो कि आई डोंट नो, मैंने नाम तो नहीं सुना, लेकिन अब ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और 2020 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, तो शायद कुछ खास ही बात होगी। तो जाके डाउनलोड करो और मुझे भी फिर से बताओ कि यार ये वर्थ वाइल है कि नहीं। अगली न्यूज़ आ रही है गेम लॉफ्ट की तरफ, जहाँ पे उनका जो 20वां एनिवर्सरी था उन्होंने एक नए तरीके से लॉन्च किया, एक नए तरीके से सेलिब्रेट किया। इन्होंने पुराने गेम्स जो भी थे जावा प्लेटफॉर्म में थे, जो भी पुराने कैजुअल गेम्स थे, जो भी एमुलेटर वाले गेम्स थे, सारे एंड्रॉयड और iOS में ले आए हैं ये, ताकि ये अपना एनिवर्सरी एज अ गेम डेवलपर मना सके। तो काफ़ी एक्साइटिंग है, जो भी लोग खेलना चाहते हैं, जो भी पिछले वाले गेम्स खेलना चाहते हैं गेम लॉफ्ट के, वो जाके अब डाउनलोड्स कर सकते हैं। अगर आपको गेम की लिस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको गेम की लिस्ट भेज दूँगा। हमारी आज की आखिरी न्यूज़ आ रही है सोनी की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने $400 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिलीबिली नाम से। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं सोनी और शायद इनको ज़्यादा उम्मीद भी है इस नए प्लेटफॉर्म से। तो होपफुली ये टर्न आउट हो उनके लिए अच्छा और हमें भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिली। बस दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये लाइक करो, अगले बार फिर आऊँगा एक अच्छी सी वीडियो लेकर। तब तक के लिए गेम खेलते रहो और खुश रहो।